तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक भाई मिले हैं, उनसे इस कैंपस के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे बनना है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। तो यहाँ पे मुझे एक और भाई मिले हैं जिनसे मैं कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि इनकी क्या राय है और इनको जो है क्या पता है इस कैंपस के बारे में या फिर यहाँ पे क्या कुछ बनना है। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपको अपडेट देने के लिए वहीं अपना पुराना मीठापुर बस स्टैंड। देखिए आज के इस वीडियो में हम मीठापुर बस स्टैंड में क्या कुछ काम हुआ है या फिर पहले की जैसा ये वीरान पड़ा हुआ है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम अपडेट देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो पहले का न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी कि यहाँ पे पाटलिपुत्रा जो यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पे इस एरिया में कैंपस बनना है, लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे मैंने आया और ये यहाँ पे ग्रामीण मिले, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है पाटलिपुत्रा का यूनिवर्सिटी तो बनना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो है पटना मेट्रो का एक स्टेशन बनेगा। यहाँ पे हो सकता है वो मेट्रो स्टेशन मीठापुर के नाम से होगा या फिर कुछ भी नाम से हो, लेकिन यहाँ पे एक पटना मेट्रो का स्टेशन भी बनना है और साथ ही साथ पटना मेट्रो के स्टेशन के साथ साथ यहाँ पे मेट्रो का जो कैंपस होता है वो बनना है और कुछ वेटिंग एरिया जो रहेंगे मेट्रो के वो यहाँ पे बनना। तो इस जगह के जो ग्रामीण लोग थे उनसे मुझे जो जानकारी मिला है उसी के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम हैं जो पहले पुराना बस स्टैंड था यहाँ पे मीठापुर का, उसके गेट नंबर 1 पे, और उन्होंने बताया कि आप देख लीजिए कि गेट यहाँ पे लगाया गया है, यानी कुछ हद तक काम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखला देता हूँ कि कैसा गेट यहाँ पे लगाया गया है। ये आपको गेट यहाँ पे लगाया गया है, देखिए यहाँ पे ये है गेट, इस साइड से बड़ा सा गेट लगाया गया है लोहा का और इस साइड में आप देख लीजिए यहाँ भी गेट लगाया गया है। यहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग का काम चल रहा है, कुछ लोग कुछ वर्कर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, देख लीजिए आप इस तरीके से। यहाँ पे जो गेट लगाया गया है देखिए, ये गेट का पूरा व्यू है, इसका आधा पार्ट इधर है और आधा पार्ट इस साइड में। अब बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ और अंदर की तरफ क्या कुछ काम हुआ है उसे भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गेट नंबर 1 से मैं अंदर की तरफ बढ़ा हूँ और यहाँ पे जो आप ये है बेस्ट साउथ का कॉर्नर, और यहाँ पे जो ग्रामीण लोग थे उनकी जानकारी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर के दायरा में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना है, यानी उसका बिल्डिंग वगैरह सब बनना है। चलिए चलते आगे, आगे क्या कुछ काम हुआ है। यहाँ पे एक मतलब बच्चा थे, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ दिन पहले कुछ मीटिंग यहाँ पे हुआ था बांस का बल्ले वल्ले लगा करके पंडाल डाल करके, और उस मीटिंग में शायद कुछ निर्णय लिया गया होगा कि क्या कुछ यहाँ पे काम करना है या फिर क्या कुछ यहाँ पे बनना है। दोस्तों हल्का फुल्का जो काम हुआ है यहाँ पे, वो बोल रहे थे कि साइड साइड से बाउंड्री किया गया है, वायर का बॉर्डरिंग किया गया है और गेट का भी काम किया गया है, तो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक भाई मिले हैं, उनसे इस कैंपस के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे बनना है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। मेरा नाम सत्यम राज हुआ। सत्यम राज जी, यहाँ पे आपको क्या जानकारी है कि यहाँ पे क्या कुछ बनना है? एक तो सुने कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना है, ठीक है, और 2 और इंस्टीट्यूट बनना है। अच्छा, कौन सा इंस्टीट्यूट बनना है यहाँ पे? उसके बारे में कुछ खास पता नहीं, लेकिन 3 यूनिवर्सिटी है, एक इंजीनियरिंग का कोई यूनिवर्सिटी है और एक ये पाटलिपुत्र और एक कुछ और। अच्छा, और एक उधर मेट्रो का कुछ काम चल रहा है उधर उस साइड में। अच्छा, मेट्रो का कुछ काम चल रहा है, मतलब स्टेशन वगैरह या फिर कुछ कैंपस बनेगा उसका? उसका कुछ बनेगा। अच्छा अच्छा, तो धन्यवाद आपका। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोकल थे उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी बनना है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करके, और मेट्रो का भी शायद एक छोटा सा या फिर बड़ा सा जो भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको गेट दिखाया, यहाँ पे और भी कुछ काम जो है, पहले इसका बाउंड्री है उसमें काम किया जा रहा था। देखिए पीछे साइड में जो है मेन रोड है, यहाँ पे मेन रोड है और ये साइड साइड से देखिए एक लोहा का एंगल लगाया गया यहाँ पे कुछ दूरी पे, और उसको वायर से जो होता है वो लोहा वाला वायर होता है, उसको वायर से जो कांटेदार होता है उसको यहाँ वायर से यहाँ पे बाउंड्री सबसे पहले किया गया है, यानी जो है काम का यहाँ पे सिलसिला जो है स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले बाउंड्री किया जा रहा है चारों तरफ से और इस कैंपस को सुरक्षित किया जा रहा है ताकि इसमें कोई जानवर, कोई फालतू जानवर या फिर कोई मतलब ऐसा चीज़ जो अंदर ना घुस पाए उसके लिए बाउंड्री यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आगे कुछ बढ़ा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, चूँकि अभी कैंपस खाली है तो लोग जो यहाँ पे लोकल है वो क्रिकेट का मजा उठा रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए चारों तरफ। तो यहाँ पे मुझे एक और भाई मिले हैं जिनसे मैं कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करता हूँ कि इनकी क्या राय है
और इनको जो है क्या पता है इस कैंपस के बारे में या फिर यहाँ पे क्या कुछ बनना है। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। जी मेरा नाम दीपू कुमार। दीपू कुमार जी, थोड़ा तेज बोलिएगा तो अच्छे से आवाज आएगा। जी मेरा नाम दीपू कुमार हुआ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है कि नीतीश कुमार ने जी ने इस जगह को एजुकेशनल हब बनाने के लिए मतलब कि ये थाना है, तो जिसमें बहुत से यूनिवर्सिटियाँ बने हुए हैं ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य शासन हो गया, यहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बगल में इग्नू भी है वहाँ। हाँ, पीछे में इग्नू है, उसका और भी कैंपस बड़ा होगा। और जिस जगह पर खड़े हैं इसको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को दिया गया है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन भी बन रहा है शिकापुर का, और आगे आपका आर्यावर्त नॉलेज यूनिवर्सिटी है। जैसे उसके आगे जाइएगा तो आपको वहाँ पर वो मिलेगा फैशन डिजाइनिंग का जो भी है गिफ्ट है, और उसके आगे जाइएगा तो सीएनएलयू मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे एरिया जो है एजुकेशन के रिलेटेड ही जो भी है उसको लेकर यहाँ पर विकास किया जा रहा है। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि मीठापुर जो एरिया है वो मतलब एजुकेशन हब हो, बिहार का एजुकेशन हब हो, और उसी के आधार पर यहाँ पे जो है पटना जो पहले पुराना वाला मतलब बस स्टैंड था मीठापुर का, उसको भी जो है यूनिवर्सिटी में यहाँ पे तब्दील करने जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक और भाई से बात किए और उन्होंने भी सेम चीज़ बताया जैसे कि मैंने पहले बात किया था। और मतलब यहाँ पे जो भी ग्रामीण मुझे मिल रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ पे पाटलिपुत्रा का यूनिवर्सिटी बनना है और भी कुछ यूनिवर्सिटी बनना है, और अगल बगल तो यूनिवर्सिटी है ही, साथ ही साथ यहाँ पे मेट्रो का स्टेशन या फिर उसका जो कैंपस होता है वो बनना है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चलिए चलते आगे, आगे क्या कुछ अपडेट है उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है गेट नंबर 2 यानी 2, और ये देख लीजिए यहाँ से आपको मैं पूरे कैंपस का व्यू दिखला रहा हूँ। देखिए अभी चारों तरफ क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट, यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, चूँकि अभी कैंपस बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, देख लीजिए पूरा। और वहाँ पे आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा वीडियो में तो। देखिए साइड साइड से जो बाउंड्री दिखाया था आपको, वो बाउंड्री यहाँ पे आपको शायद हो सके तो वीडियो में दिख रहा होगा, चूँकि मैंने पहले आपको दिखा चुका हूँ। देख लीजिए यही है इसका कैंपस एरिया, और अभी जो है ज़मीन पे कुछ भी काम अभी देखने के लिए नहीं मिला, सिर्फ बाउंड्री का काम देखने के लिए मिला है, और जो गेट का काम है वो मैंने आपको दिखाया ही। तो यहाँ पे मैं चल चल करके गेट नंबर 1 से वहाँ से एंट्री मारा था, और उधर है साउथ और इधर है नॉर्थ। देखिए यहाँ पे कुछ खटाल भी है, तो यहाँ पे जो खटाल वाले हैं उनसे मैं जानकारी हासिल करने की कोशिश कर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने जो भी यहाँ पे अभी ताज़ा हालात है उसको आपको दिखलाया, और यहाँ पे जो है धरातल पे अभी कोई भी काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे जो कोई वर्कर हैं इस कैंपस के लिए, इस मीठापुर बस स्टैंड जो पुराना वाला है उसके लिए क्या कुछ यहाँ पे काम हो रहा है वो, उसमें से कोई भी, मैंने यहाँ पे पूरा कैंपस को घूम लिया लेकिन कोई भी ऐसा लोग नहीं मिले जो अभी इसका जो काम अभी कर रहे हैं। सिर्फ बाउंड्री का काम आपको दिखाया कि बाउंड्री कर दिया गया है, चारों तरफ से वायर से बांध दिया गया है। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट था ताज़ा इस कैंपस का, जो पुराना वाला मीठापुर का बस स्टैंड था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।